गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ा था, सेकंड पार्ट का। आज हम सेकंड पार्ट का मंत्र नामक पार्ट का सारांश पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे आप, है ना? इसका सारांश मैं अपने शब्दों में आपको बता रही हूँ। डॉक्टर चड्डा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय व नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते तथा शाम को गोल्फ खेलने जाते थे। एक दिन शाम का समय था, डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने जाने ही वाले थे। उसी समय एक बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्डा के पास आया, उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा, बहुत खुशामद करने लगा। खुशामद भी की उसने। डॉक्टर साहब ने उस बालक को नहीं देखा तथा कल सुबह आकर दिखाना, यह कहकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अपमाननीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। जिस डॉक्टर चड्डा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुनी थी, उसकी निर्ममता व दयाहीनता को देखकर वह बहुत हैरान था और इलाज के अभाव में वह उसी रात उसका सातवां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन में यही एक सहारा था। डॉक्टर चड्डा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सर्प पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता और उनसे खेलता रहता था। उसे सांपों की जड़ी बूटियों एकत्र करने का भी शौक था। डॉक्टर चड्डा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ मतलब जन्मदिन का अवसर था, जिसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रसोइये, रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रण दिया गया था। तभी कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ पढ़ी थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी, वहाँ उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा लोगों की भीड़ भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती थी। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ भी गई तथा सर्प देखने से इनकार करने लगी। तब कैलाश ने समझा कि वह गुस्से में आकर मना कर रही है। कैलाश ने सर्पों के दरबे के पास जाकर मुहार मतलब वीन बजाया। एक एक कर सभी सांपों के करतब दिखाने लगे। सभी सांप उसके करतब दिखाने लगे। मित्रों के यह कहने पर भी कि उनके दांत तोड़े गए हैं, उन्होंने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाक की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया। यहाँ तक कि नाग का मुंह खुल गया था और उसने अपने मित्रों को उनके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़े गए जाने पर आहत सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहां उत्सव का माहौल था, वहां अब रोना पीटना मचा हुआ था। शोक की लहर दौड़ गई। मतलब जब उसका बेटा को सर्प ने खा लिया, डॉक्टर चड्डा के बेटे को, और उसका जन्मदिन भी था, तो इस अवसर पर वहां पे क्या हुआ था, एक शोक का माहौल हो गया था।
तब लोगों ने झाड़ फूक और मंत्र का इलाज करने वाले को कहा। डॉक्टर चड्डा ने कहा, चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप ने काटने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े भगत ने क्या कहा था, ये वही चड्डा है जिसके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया, उसके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र भी नहीं देखा। अब पता लगेगा बेटे का गम क्या होता है, मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्डा का हालचाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे की बचने की हालत नहीं थी, लेकिन उसने देखने से इनकार करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत ने बार बार उठता और बार बार बैठ जाता, किंतु बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत चड्डा के द्वार पर आ पहुंचा और लड़के को देखने को कहा। डॉक्टर चड्डा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ न होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत जी ने अब लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू किया और सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तंबाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर चड्डा भी उसे पहचान गए थे कि उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना कर दिया करके अपने खेलने को अधिक महत्व दिया था। तब वह कहने लगे कि मुझे पता है कि वह बहुत स्वाभिमानी है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी, अर्थात अब मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूँगा। मतलब क्या था इसका कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना।